बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। 12वीं कक्षा के कॉमर्स संकाय में प्रदेश में टॉप करने पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला नाहन को प्रशस्ति पत्र दिया है। हाल ही में स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं शिक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए थे, जिसमें कॉमर्स में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला नाहन की मेघा गुप्ता ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया था। छात्रा की उपलब्धि को लेकर हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने छात्रा और स्कूल को प्रशस्ति पत्र देकर हौसला अफजाई की है। मीडिया से बात करते हुए स्कूल की प्रधानाचार्य मीरा बंसल ने बताया कि प्रदेश के राज्यपाल ने स्कूल को प्रशस्ति पत्र दिया है, उससे न केवल छात्राओं का बल्कि अध्यापकों का भी मनोबल बढ़ा है। उन्होंने बताया कि इससे स्कूल की अन्य छात्राओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और इससे भी बेहतर परीक्षा परिणाम लाकर अपने स्कूल का नाम रोशन करना चाहिए। बता दें, मेघा गुप्ता ने 500 में से 488 अंक प्राप्त कर प्रदेश में टॉप किया है। वहीं इसी स्कूल की एक अन्य छात्रा रितिका सरस्वती ने भी आर्ट्स में प्रदेश भर में 8वां स्थान हासिल किया है। प्रिंसिपल द्वारा और अध्यापकों द्वारा इन बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए इन बच्चों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, इनके जीवन में और बेहतर रिजल्ट्स लाने के लिए इनकी हौसला अफजाई की गई। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मेघा गुप्ता जिसने कॉमर्स में हिमाचल प्रदेश में टॉप किया है, अध्यापकों की चहेती छात्रा। आइए सुनते हैं पूरी जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल के माध्यम से क्या कहा उन्होंने इस बारे में। बहुत ही हर्ष का विषय है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें एक प्रशस्ति पत्र दिया है, स्कूल के लिए भी और उस विद्यार्थी को भी ये दिया गया है। और इससे जो है भविष्य में हमें और अधिक इस विद्यालय को उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचाने में जो है हम पूरी उनकी अभ्यास प्रयास करेंगे कि भविष्य में भी हम इस चीज़ को बनाए रखें और बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें। इस मेघा गुप्ता ने कॉमर्स संकाय में 488 अंक प्राप्त करके प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।